उत्तराखंड में पहाड़ी उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में वन अग्नि के चलते प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे पेयजल संकट भी बढ़ने लगा है। कर्णप्रयाग नगर पालिका के वार्डों में पानी की किल्लत होने से जल संस्थान टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहा है। वही व्यापारियों का कहना है कि बिना पानी के होटलों में यात्री नहीं ठहरा पा रहे हैं। होटल कारोबारियों ने पुलिस पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, एक ओर जहां चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है, जिससे इसका सीधा असर चार धाम यात्रा पर पड़ रहा है। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि वर्ष भर से हमें यात्रा का इंतजार रहता है कि यात्रा शुरू होने पर आर्थिकी भी दौड़ेगी, मगर प्रशासन की लाचार व्यवस्था से सभी व्यापारी परेशान है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। 3 दिनों से यहाँ पर पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। जल संस्थान के जेई को बार बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया जा रहा है। लाइन मैन को बोलने पर कि पानी नहीं आ रहा, वो कह रहा मैं छुट्टी पर हूँ। टेम्परेरी लाइन मैन द्वारा यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था की गई, जब टैंकर भी इसलिए भेजा हुए जब प्रेशर डाला गया उनके, और कमर्शियल बिल सारी बिल्डिंग वाले कमर्शियल बिल पेड करते हैं, रेगुलर बिल यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था खत्म कर रखी है। जल संस्थान द्वारा बिल्कुल नाकामी है। जल संस्थान क्या चाहते हैं कि रेगुलर पानी आए भाई, 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा शाम को दीजिए पानी। तो लॉज वाले परेशान हो रखे हैं, कमरे लगाने को कोई तैयार नहीं है। ये 15-20 दिन का सीजन है, इसके बाद लॉज होना खाली रहना है। बरसात के महीने में पानी तो वैसे ऊपर से आ जाता है, सारे लॉज खाली पड़े हुए, यात्री खाली जा रहे हैं वापस कि पानी नहीं है तो हम नहीं रुकेंगे कहते।